सुनता है, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही जीनी 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 जेने 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 सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञान कृष्णा तो उन्हें बुझाई बुझाई कृष्णा तो उन्हें बुझाई बुझाई अमृत छोड़ सो विषय को धावे अमृत छोड़ सो विषय को धावे उलट पास फसानी हो जी फसानी हो जी सुनता है माखन माखन संतों ने खाया माखन माखन संतों ने खाया छाछ जगत बपरानी हो जी बपरानी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञाने बिन सरोवर जो पानी रे गगन मंडल में होए उजियारा गगन मंडल में होए उजियारा बोले गुरु मुख बानी हो जी मुख बानी हो जी सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी
एक बात छोटी सी आपके सामने साझा करना चाहती हूं। कबीर की वाणी जहां तक मेरी समझ है और जो विद्या मैंने अपने गुरुजनों से पाई है उसको समझते हुए, कबीर की वाणी सगुण वाणी नहीं है, उसको सगुण करके नहीं गाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। उसका फक्कड़पन, कबीर का फक्कड़पन, कबीर की निर्भयता, उन सुरों में यदि ना झलके तो उसे गाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरे बाबा कहा करते थे, कबीर को घुंघरू नहीं। जो सगुण भक्ति का जो श्रृंगार है वो उसे फबता नहीं है। कबीर को उसकी वाणी में जो चोट है वो उस श्रृंगार में कहीं खो जाती है। इसलिए जितना कम श्रृंगार होगा, जितना हम फक्कड़ उसको आपके सामने पेश कर सकते हैं, उतनी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कहे अमर हो निशानी हो जी, निशानी हो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही, जीनी 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 जीनी, सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी सुन।